सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ऐसे में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डुमरियागंज सीओ राणा महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बांसी का रहने वाला एक व्यक्ति डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बीवा में अपने एटीएम से पैसे निकालने गया था। वहीं उसके पीछे खड़े युवक ने व्यक्ति का एटीएम बदल लिया, जिससे काफ़ी परेशानी हुई और व्यक्ति द्वारा बदले गए एटीएम को लेकर हल्लौर स्थित एटीएम पर पैसे निकालने गए, फिर वहीं व्यक्ति पीछे लग गया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी व्यक्ति को पहचान लिया। इसकी सूचना उसने डुमरियागंज पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। आरोपी युवक राजकुमार उर्फ राजू शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र शर्मा पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती का रहने वाला है। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने 34 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद मोटरसाइकिल, 34,500 नकदी प्राप्त की। आरोपी युवक के ऊपर विभिन्न जनपदों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शिवराणा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 5,500 रुपए देकर पुरस्कृत भी किया गया। सर, आज आपके द्वारा एक खुलासा किया गया है, किस तरीके का खुलासा है? एक व्यक्ति सुमई नाम का था, जो बांसी का रहने वाला था, वो अपने एटीएम कार्ड से देवा चौराहे पर एटीएम से कुछ पैसा उतारने गया। उसी के पीछे एक राजकुमार शर्मा नाम व्यक्ति लग गया, जो पीछे से उसका एटीएम बदल दिया। जब एटीएम बदल दिया, पैसा नहीं निकला, तो उस व्यक्ति जो सोमी नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि चलिए यहां से नहीं निकलेगा, हम हल्लौर से पैसा उतार लेंगे। जब हल्लौर एटीएम से वो पैसा उतारने गया, तो वहां पर वही राजकुमार शर्मा व्यक्ति उसके एटीएम से 34,000-34,500 रुपये उतार लिया था। जब तक ये पहुंचा तो ये पहचान लिया, पहचानने के बाद उसको पकड़ लिया। तब तक वहां हमारे दो सिपाही पहुंच गए, पहुंच करके मामला देखे तो उसके पास से 35 एटीएम और 34,500 रुपए मौके पर बरामद हुआ। जब पूछताछ हुआ तो उसने इस जोन के अंदर 11 अपराध करना कबूल किया कि जोन के विभिन्न जनपदों में मैं 11 मुकदमे कायम है, 11 एटीएम बदलकर पैसा उतारने का ही काम करते हैं। उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। 3 मुकदमे थाना डुमरियागंज पर इसके खिलाफ पंजीकृत हैं और इसको जेल भेजा जा रहा है, बाकी अग्रिम विवेचना जारी है। सर, ये कहाँ का रहने वाला है और जो टीम है उसको किस तरीके से सम्मानित किया जाएगा? ये जो राजकुमार शर्मा है, पैकोलिया जनपद बस्ती का रहने वाला है और एटीएम बदल करके चोरी का काम करता था। ये जो सिपाही लगे हुए थे उनको 500 रुपए का इनाम मेरे द्वारा दिया गया है, बाकी कप्तान साहब के लिए अग्रिम इनाम के लिए घोषणा करवाई गई। सर, किन किन धाराओं में जेल भेजा गया? ये 379, 411, 419, 420 IPC की धाराओं में जेल भेजा गया।